हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। इससे पहला वीडियो अगर आपने देख लिया होगा जिसमें भाई फ्लडिंग और राउटिंग के बीच का मैंने डिफरेंस शेयर किया था आपसे, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में राउटिंग के बारे में चर्चा होने वाली है, तो वो इस वीडियो से शुरू हो चुकी है। आई होप आपने वो प्रीरिक्विजिट नॉलेज उस वीडियो के थ्रू प्राप्त कर लिया होगा जिसमें बेसिक राउटिंग और फ्लडिंग मैंने एक्सप्लेन किया था। आज भैया इस वीडियो से मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं सम बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू राउटिंग, ठीक है। उस राउटिंग टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जो राउटिंग एल्गोरिथम्स का हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें हम ब्रॉडली कैटेगराइज क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज। वो है भैया, पहला तो स्टैटिक है और दूसरा है डायनेमिक, एज ऑब्वियस। ओके, तो दोस्तों स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स में बहुत मेहनत है, ओके, बहुत एक तरीके से कष्ट देखने को आपको मिलेंगे। किसे कष्ट देखने को मिलेंगे? इंसानों को। क्यों? बिकॉज यहां पे स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम में आपको हर चीज मैनुअली हैंडल करनी पड़ेगी। कैसे? मैनुअली हैंडल करनी पड़ेगी, ऑपरेट करनी पड़ेगी, ओके। ऐसा नहीं कि जो चीजें हैं वो अपने आप होने लग जाएंगी, नहीं, आपको मैनुअल इंटरवेंशन वहां पे करना पड़ेगा, फिर जाके वो चीजें आगे बढ़ेंगी। जो भी आपको करना है वो खुद वहां करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कुछ भी वहां पे भाई साहब होने वाला नहीं है। इसीलिए स्टैटिक है, डायनेमिक नेचर इसका नहीं है, और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कुछ एग्जांपल मैं आपको जैसे देता हूं, सी, जैसे कि यहां पे राउटर है, यहां पे R1 R2 R3 R4 लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से वो कनेक्टेड है, लाइक दिस दे आर कनेक्टेड, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों अगर ये लिंक मेरी समझ लो डाउन चली जाती है, तो एक तरीके से यहां पे क्या हो रहा है, जो टोपोलॉजी वो आपकी चेंज हो जाएगी, और जिस तरीके से आपकी टोपोलॉजी चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली जो राउटिंग टेबल है उन्हें भी अपडेट करना जरूरी है। तो वो कैसे करना पड़ेगा? मैनुअली करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं चमत्कार होने वाला। यहां पे खुद मैनुअली आपको वो जो राउटिंग टेबल्स है, एज पर द चेंज इन टोपोलॉजी यू हैव टू अपडेट दोज रिस्पेक्टिव राउटिंग टेबल्स फॉर ईच ऑफ दीज राउटर्स विच आर देयर। सेकेंड बात यह है कि मान लो ये जो पर्टिकुलर पाथ है इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा कंजेशन है, तो फिर पैकेट्स को आपको यहां न फॉरवर्ड करते हुए यहां पे अल्टरनेटिव पाथ्स के थ्रू आपको वहां पे उसे राउट करना पड़ेगा। ये भी जो चीजें हैं, ये भी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली नहीं होने वाली, यहां पे भी आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और यहां पे मैनुअली आपको इंटरवीन करना पड़ेगा हर एक चीज के लिए, ओके। अब यहां तो मैंने भाई साहब सिर्फ 4 राउटर दिखाए हैं, दुनिया में कितने बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, कितने सारे राउटर्स हैं, उन सबको इस तरीके से अपडेट करना, उनके राउटिंग टेबल को हैंडल करना, उन्हें ऑफलाइन अपलोड करना, वो सारा जो झमेला है वो मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ऐसे एल्गोरिथम्स को हम यूज नहीं करते, स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स को हम यूज नहीं करते, बिकॉज यार ये बेवजह की मेहनत इतनी कौन करते बैठेगा, बराबर। जबकि हमें वो जो डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम्स है वो हमें थोड़ी सी कंफर्ट दे रहे हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली डायनेमिकली करने को तैयार है, तो हम इन्हें क्यों यूज करें, बराबर है। क्योंकि यहां पे डायनेमिक के अंदर जो है नो मैनुअली, ओके, सो यू डोंट हैव टू मैनुअली ऑपरेट देयर, मैनुअल इंटरवेंशन की वहां पे जरूरत नहीं है। वो जो भी आपके राउटिंग टेबल अपडेट होने, चेंज होने, दे विल हैपन डायनेमिकली, ऑटोमेटिकली, ओके। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये आपके जो स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स है ये अपने आप चेंज नहीं होते, जब कुछ टोपोलॉजी चेंज हो जाती है ट्रैफिक चेंज हो जाता है, बराबर। लेकिन यहां पे अगर टोपोलॉजी चेंज हो गई, अगर ट्रैफिक में चेंज हो गया, कहीं किसी एक लिंक पे हाई ट्रैफिक हो गया, तो उस हिसाब से जो आपके ये डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं ये चेंज होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाई देयर नेम इज डायनेमिक, यहां वो स्टैटिक था, यहां पे आपकी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं, यहां पे ज्यादा मैनुअल इंटरप्शन की जरूरत है नहीं, और इसीलिए हम यहां पे इंटरनेट में डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम्स को इंप्लॉय करते हैं, यूज करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर दो राउटिंग डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम जो है, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ जिसे मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, वो जो दो एल्गोरिथम्स हैं वो है भाई साहब, एक तो DVR और दूसरा है LSR। DVR मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग,
ये एक एल्गोरिदम है, और दूसरा एल्गोरिदम है लिंक स्टेट राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग। इनके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में एग्जांपल के साथ आसान लफ्जों में चर्चा होने ही वाली है। हाल फिलहाल अगर ये बेसिक चीज राउटिंग से जुड़ी हुई आपको पसंद आ गई होगी, आपको समझ आ गई होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।